Good morning, all of you, and welcome to the Parts of International School. So, last के अंदर अपना chapter number 2 over हो गया था. Today we will start with a new chapter, chapter number 3, which is known as Retirement of a Part. अभी books निकालिए और उसके first page पे देखो chapter का नाम लिखा है Retirement or Death of a Part. Meaning क्या होता है chapter का? Have a look on the board. इस चैप्टर का बड़ा मीनिंग यह है, मान लीजिए पहले तीन पार्टनर थे ए बी और सी, तीन पार्टनर थे और उनका रेशियो का लेट्स सपोज 2:1:2. या उन्होंने फॉर्म स्टार्ट कर ली, कई सालों तक एक साथ काम किया, लेट्स सपोज 15-20 साल उन्होंने काम किया. 15-20 साल काम करने के बाद आज एक फॉर्म से एक पार्टनर या तो रिटायर हुआ, लेट्स सपोज सी फॉर्म छोड़ते जाना चाहिए, कोई भी कारण हो सकता है उसका, फॉर पर्सनल प्रॉब्लम्स, फॉर व्हाटएवर द रीजन, उसके उसकी एज हो गई है, जो भी रीजन है हम उसमें नहीं जाएंगे. तो या तो फॉर्म से सी रिटायरमेंट ले रहा है, रिटायर होकर दुकान छोड़ के जा रहा है, या उसकी डेथ हो गई है. मतलब दोनों में फर्क क्या है, ये अपनी मर्जी से जा रहा है और डेथ मतलब भगवान की मर्जी से जा रहा है. खैर जो भी हो, जा रहा है सी और मान लीजिए फॉर्म से सी ने रिटायरमेंट, ऐसा मैंने एग्जाम्पल पहले भी बात करे और सी फॉर्म छोड़ के चला. सीखे जाने के बाद आज के बाद की बात में फॉर्म में दो पार्टनर बचेंगे, पार्टनर ए और पार्टनर बी. अब इस चैप्टर में आपको सबसे पहले चीज क्या जाननी है, आज के बाद इस चैप्टर में मैं इस फॉर्म को बोलूंगा ओल्ड फॉर्म सीखे जाने से पहले, और इस पूरे चैप्टर में इस फॉर्म को बोलूंगा मैं न्यू फॉर्म सीखे जाने के बाद. फिर ध्यान रखना ये जो आपको रेशियो दिया इससे मैं बोलूंगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, और अब जो मैं एक रेशियो निकालूंगा इससे बोलूंगा मैं न्यू पार्टनर्स, और ये जो रेशियो अभी आएगा न्यू रेशियो. तो इस चैप्टर के अंदर आपको सबसे पहली चीज जो निकालनी है वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो. सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू रेशियो, न्यू रेशियो का मतलब क्या होता है, देखो सीखे जाने के बाद आज के बाद फॉर्म में जो भी प्रॉफिट होगा, मान लीजिए फॉर्म ने एक साल काम किया, दो साल काम किया, तीन साल काम किया, तो फॉर्म को जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी फॉर्म को लॉस होगा उसे आज के बाद सिर्फ ए और बी माने, क्योंकि सी तो जा चुका है, और सी के जाने के बाद जो भी मान के फॉर्म ने एक साथ काम किया है तो जो प्रॉफिट हुआ है उसे ए और बी इस रेशियो मानने के अपने एक न्यू रेशियो है. तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले कैलकुलेशन आपको न्यू रेशियो की कैलकुलेशन करनी है. लास्ट चैप्टर जब मैं आपको एडमिशन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था ये चैप्टर हो चाहे एडमिशन हो सारे चैप्टर लमसम से है, और उस चैप्टर में मैंने आपको सबसे पहले कैलकुलेशन न्यू रेशियो सिखाया. तो इस चैप्टर में भी न्यू रेशियो, और ये ध्यान रखना दोनों चैप्टर को आपस में लिंक करके पढ़िएगा क्योंकि दोनों में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है. तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले कैलकुलेशन न्यू रेशियो करेंगे, जैसा कि हमने एडमिशन के अंदर किया था, नया पार्टनर जब आया था. अब न्यू रेशियो निकालने के लिए जब हम एडमिशन चैप्टर पढ़ रहे थे वहां हमने फोर टाइप्स पढ़े थे कि चार तरह के क्वेश्चन होंगे न्यू रेशियो के अंदर. इस चैप्टर के अंदर बड़ा ध्यान रखना है न्यू रेशियो में दो ही सिचुएशन होंगी, वहां चार सिचुएशन थे, या न्यू रेशियो के लिए ओनली टू सिचुएशंस. सिचुएशन नंबर फर्स्ट, एग्जांपल लेता हूं फिर नाम लिखता हूं क्या है इसका मीनिंग. मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है थ्री पार्टनर्स आर देयर ए बी एंड सी, ये पार्टनर थे ए बी सी, और क्वेश्चन में लिखा उनका रेशियो है 2:1:2. फिर क्वेश्चन में लिखा है सी रिटायर, सी एट सी डेथ, जो भी लिखा हो दोनों का मीनिंग सेम है, मैं सी रिटायर से लिखता हूं, क्वेश्चन में लिखा सी रिटायर सी चला. इसके अलावा क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन. हिंदी में बोलूं तो जब जाने वाला पार्टनर चुपचाप चला गया है, उसे किसी भी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो कैसे निकालना है, जो बंदा चला गया है उसको साइड कर दो, उसको हटा दो, पीछे जो बचे वो ही न्यू पार्टनर है और पीछे जो रेशियो बचा है वो ही न्यू रेशियो है. तो इसे तो बहुत सिंपल ये सिंपलेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, जो बंदा जा रहा था उसको साइड कर देना, सी चला गया सी को हटा देना, इसका मतलब पीछे दो पार्टनर बचेंगे और ये न्यू पार्टनर और ये जो उनका रेशियो बन न्यू रेशियो. अगर इस क्वेश्चन में न्यू होता बी चला गया तो आप बी को साइड कर, इसका मतलब न्यू पार्टनर है और सी और उनका न्यू रेशियो 2:1, और इफ आई से ए चला गया इसका मतलब ए को हटा दीजिए
पीछे बचे BOC, ये न्यू पार्टनर और द रेशियो 1:1 न्यू रेशियो, इसे बोलते हैं फर्स्ट साइड का क्वेश्चन। बॉन्ड से क्वेश्चन तो आपके फर्स्ट साइड के। अब एक आता सेकंड साइड का क्वेश्चन, जब जाने वाला इंफॉर्मेशन दे भी जाता बता के जाता, मीनिंग क्या हुआ? अगर इस क्वेश्चन में मैं यूं लिखूं, तीन पार्टनर थे ए बी और सी, उनका रेशियो था 2:1:1, फिर मैंने लिखा सी लिखा, सी चला गया, और साथ में मैंने क्या लिखा, सी का जो शेयर था, सी जो अपना हिस्सा जाते हुए छोड़ के जा रहा, सी का हिस्सा इतना 2-3-4 तक, तो ये जो सी अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है, साथ में मैंने ये लिखा ये सारा हिस्सा ए ने ले लिया, ए ने प्राप्त। कभी क्वेश्चन लिखा था सी का हिस्सा बी ने ले लिया, कभी लिखा होगा सी का हिस्सा ए और बी ने दोनों ने बराबर ले लिया, कभी लिखा होगा सी का हिस्सा ए और बी ने 3:2 में ले लिया, 4:2 में ले लिया, 5:1 में ले लिया। मतलब इस क्वेश्चन में यूं बोलो, जब आपको क्वेश्चन ने इन्फॉर्मेशन दी है कि जाने वाले का हिस्सा कौन प्राप्त करेगा, प्राप्त करने को अपन गेन होता है ना, तो इस क्वेश्चन में मैं ऐसा डिजाइन कर देता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है सी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज अक्वायर्ड बाय, इज गेन बाय, इज टेकन बाय, हिज शेयर इज टेकन बाय एम बी इक्वल, मतलब उसने हिस्सा किसने ले लिया, ए और बी, और वो भी कैसे लिया है, क्वेश्चन में लिखा इक्वल बराबर, या कभी कुछ और भी लिखा हो सकता। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन, जहां आपको क्वेश्चन में क्लियरली इंफॉर्मेशन दी है कि जाने वाले का हिस्सा कौन पार्टनर प्राप्त करेगा, किससे लेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको न्यू रेशियो निकालने में सबसे पहले क्या करना है, व्हिच जो अपन ने चैप्टर नंबर थर्ड में सेकंड में किया था, सबसे पहले आपको न्यू रेशियो निकालना है, न्यू रेशियो का फॉर्मूला सबसे पहले तो पार्टनर का नाम लिखना आपको, नई बार फोन में कितने पार्टनर होंगे, 2 पार्टनर ए और बी, सी का नाम नहीं आना चाहिए क्योंकि नई बार फोन में सी पार्टनर लेंगे। अब फॉर्मूला क्या होगा, आप सोचो ए के पास, ए के पास नई बार फोन में कितना होगा, जितना उसके पास पहले था, उसे इंग्लिश में बोलते हैं ओल्ड रेशियो, जितना उसके पास पहले था उसमें जितना उसको सी से मिला उसको प्लस कर दो, मिलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूं मैं ए हूं, मेरे पास पहले 5 रुपए थे और सी से मुझे 3 रुपए मिले, इसका मतलब मेरे पास नेबर फॉर्म होंगे 5+3=A, है ना। तो आपको न्यू रेशियो का फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला क्या बनेगा बना, कोई नेबर फॉर्म में ए के पास कितना होगा, जितना उसके पास पहले था वो तो हो गई होगा, प्लस जितना उसको मिला किससे, सी से, बोले तो जो पार्टनर मिला होगा वो आपसे ए कर दीजिएगा। अब आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दो चीजें चाहिए, नंबर फर्स्ट ओल्ड रेशियो व्हिच इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन 2-3-4, 2/4 और 1/4। अब आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, गेन। अब यहां आप अटकेंगे जैसे आप वहां अटकते थे, वहां एक बार आता था सैक्रिफाइस किया, गेन बस इतना ही चेंज है, यहां आपको क्या करना पड़ा, गेन निकालने के लिए आना आप सेम नंबर टू में, जैसा कि मैंने वहां बताया था, इससे टू का नाम लिखना कैलकुलेशन ऑफ गेन, आपको गेन निकालना। उसके लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना, सबसे पहले यह देखना है कौन जा रहा है, क्वेश्चन में लिखा सी रिटायर्स, सबसे पहले नाम लिखेंगे सी। दूसरी चीज आपको देखना है सी कितना छोड़ के जा रहा है, देखो सी का हिस्सा कितना था बेटा 2-1-3-1-4, 1/4, मतलब सी 1/4 छोड़ के गया है। अब आपको देखना ये 1/4 किसने लिया, अगर क्वेश्चन में यूं लिखा हो सी से इज टेकन बाय ए, मतलब ये 1/4 सारा ए लिया, तो आप ए के प्लस कर दो, पहले 2/4 था 1/4 था। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो सी से इज टेकन बाय बी, तो इसका मतलब ये 1/4 का 1/4 बी ने लिया, बी को प्लस कर दो, ए को कुछ नहीं मिला। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो सी से इज टेकन बाय ए एंड बी इक्वल, जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा है, इसका मतलब ये जो सी का शेयर था 1/4 ये किस किसने लिया था, ए और बी, यहां पर डायग्राम ड्रॉ करेंगे ए और बी, और क्वेश्चन में लिखा है किस रेशियो ये इक्वल, एक काम करो ये जो सी का शेयर था इसे ए और बी में इक्वली बांट दो, बांटना आपको तो पता है इक्वली बांटना 1/4, इस 1/4 को मैं दोनों चीजें लिखूंगा, इस 1/4 में ए का हिस्सा हो गया 1/2 और बी का हिस्सा भी, इसका मतलब 1/4 का आधा ए लेगा और 1/4 का आधा बी लेगा, आंसर आया 1/8, 1/8, तो इससे मुझे ये पता लगा ए ने कितना लिया और बी ने लिया, जितना ए ने गेन किया वो ए की प्लस कर दो और जितना बी ने गेन किया वो, ये आपका न्यू रेशियो। आगे तो आपको मैथ्स सिखा दूंगा, व्हाटएवर द आंसर इज, इसका आंसर आएगा बेटा ए एडिशन होगा तो 4+1 5/8 और ये आ जाएगा 3/8 एंड हेंस द न्यू रेशियो इज 5:2। आगे तो मैथ्स सिखा, आपको एक बार ही समझ
कि इसमें करना क्या था, नई वाली फॉर्म में न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए सबसे, न्यू वाली फॉर्म में हमारे पास रेशियो कितना होगा और इसके बाद वैसा ये माना आप ए है तो आपके पास न्यू वाली फॉर्म में कितना होगा जितना आपके पास पहले था ओल्ड रेशियो और उसमें से जितना सी जाते वक्त आपको दे दिया गया या यूं जितना सी से आपको मिला दैट इज टू से के उसको प्लस कर देना। तो मेरा फॉर्मूला बना न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो प्लस के। अब इसमें आपको दो चीजें चाहिए, ओल्ड रेशियो और के। ओल्ड रेशियो ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, आपको ये चाहिए जहां एक बार दिक्कत आए। इसके लिए आप क्या करना, गेम का मतलब होता है हमें ये देखना है सी ने किसको कितना कितना दिया, या इसको यूं बोलो ए और बी ने सी से कितना कितना प्राप्त किया। इसके लिए आप स्टेप नंबर सेकंड का, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना पड़ा, सबसे पहली चीज आपको ये देखना है सी जा रहा है वो कितना छोड़ के जा रहा है, तो उसके लिए सी का हिस्सा देखना पड़ता है। नंबर सेकंड फिर आपको क्या पता करना है ये जो 1/4 उसने छोड़ के गया ये किसने था, क्या वो क्वेश्चन में लिखा है उसको हिसाब से सेट कर लेना। क्वेश्चन में क्या लिखा है सी का शेयर ए और बी ने लिया, तो मैंने ये 1/4 जो सी का शेयर है ये ए और बी ने लिया, मैंने डायग्राम बनाया ए और बी और किस रेशियो में लिया, क्वेश्चन में लिखा इक्वल लिया तो मैंने इसको इक्वल लिया। अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता सी का शेयर ए और बी ने 3:1 में लिया तो ये जो सी का शेयर था इसे ए और बी ने 3:1 में माना, अगर लिखा 3:2 में लिया तो 3:2 में माना, तो ये अपना न्यू रेशियो निकल आया। ये गेन निकलते आप गेन ना लिखेंगे आपका आंसर आया। तो न्यू रेशियो निकालने के दो सिचुएशन बने, नंबर फर्स्ट जब सी मतलब न्यू पार्टनर अपना हिस्सा किसको देके गया इसकी क्लियर इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, उसमें क्या करना जो ज्यादा उसको साइड करें, रिमेनिंग पार्टनर्स आर द न्यू पार्टनर एंड द रिमेनिंग रेशियोज आर न्यू रेशियो। और एक वो टाइप का क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हो कि जाने वाला अपना हिस्सा किसको देके जाएगा, ये यूं बोलो जाने वाले का हिस्सा कौन प्राप्त करेगा, मतलब गेन की इन्फॉर्मेशन, तो आप इससे वैसे जाएंगे एंड देयर आर टू स्टेप्स और न्यू रेशियो का फॉर्मूला आपको याद रखना। चलिए इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर करेंगे, अपनी बुक अपने साथ रखिएगा। हैव अ नाइस डे।